वह उतना मासूम नहीं है जितना दिखता है, तुम उतना भोले नहीं हो जितना दिखते हो, मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ जितना दिखता हूँ, वह उतना डरपोक नहीं है जितना दिखता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद यदि सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो इजामर आएगा, पास्ट में बोलिएगा तो वॉज वर आएगा। उसके बाद हम लोग लाएंगे नॉट, और नॉट को लगाने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा एज एडजेक्टिव एज, मीन्स यहाँ पर एडजेक्टिव कोई भरना है, जैसे कि मासूम, भोले, मूर्ख, डरपोक, तेज, ये सभी वर्ड आएगा इसका इंग्लिश एज और एज के बीच में। उसके बाद हम लोग फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे, वही सब्जेक्ट फिर से आएगा, और आखिरी में लगाएंगे लुक या लुक्स। यदि आपका सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो लुक्स लगाना पड़ेगा, मतलब एस वाला। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो, मीन्स आई वी यू दे प्लूरल, उसके साथ लुक वर्ड का यूज करेंगे। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, वो उतना मासूम नहीं है जितना दिखता है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही लुक्स, ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही लुक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उतना भोले नहीं हो जितना दिखते हो, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू आर नॉट एज नाइव एज यू लुक, यू आर नॉट एज नाइव एज यू लुक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ जितना दिखता हूँ, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम नॉट एज फूल एज आई लुक, आई एम नॉट एज फूल एज आई लुक। फूल की जगह फुलिस भी कर सकते हैं, पूरा वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो उतना डरपोक नहीं है जितना दिखता है, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही इज नॉट एज टिमिड एज ही लुक्स, ही इज नॉट एज टिमिड एज ही लुक्स। यहाँ पर टिमिड वर्ड की जगह कॉवर्ड वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उतना तेज नहीं हो जितना दिखते हो, मीन्स तुम उतना बुद्धिमान नहीं हो जितना दिखते हो, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू लुक, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू लुक। ये दोस्तों इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।